When we come back, because the fans want another one. I didn't do three. Vin didn't do three. And so we came back the cameo again, but people are pissing me for not doing the third one. Wow. You know? Well, Paul Walker. नीली आंखें, चमकदार बाल और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से पॉल वॉकर हॉलीवुड के सबसे चहेते सितारे बन गए थे। लोग इनकी एक झलक पाने को बेकरार थे, लेकिन इनकी दीवानगी तो केवल कार रेसिंग को लेकर थी। हवा से बातें करना इनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था। तभी तो पॉल वॉकर ने कहा कि एक दिन जब कार स्पीड मेरी जान ले ले तो रोना मत, क्योंकि उस वक्त मैं मुस्कुरा रहा हूँ। लगता पॉल वॉकर को अपनी मौत के बारे में पहले से पता चल गया था। तभी तो 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार को दौड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए हमें छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल ये आता है कि उस बंदे के खून में रफ्तार दौड़ती थी जो पलक झपकते अपनी कार लेकर आंखों से उछल हो जाता था। आखिर कैसे उसने मौत को गले लगा लिया और क्या है पॉल वॉकर की इंस्पायरिंग स्टोरी, चलिए जानते हैं। 30 नवंबर 2013 यही वो तारीख थी जब फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के मशहूर एक्टर पॉल वॉकर की मौत हो गई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जब इनका कार एक्सीडेंट हुआ तब रोड भी बिल्कुल खाली थी और मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसे में इनकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। आखिर क्यों इतने बढ़िया मौसम में पॉल जैसे एक्सपर्ट ने गाड़ी लेकर पेड़ में भिड़ा था। तो दोस्तों पूरा मामला जानने के लिए हमें 2013 में जाना पड़ेगा जब ये पूरी घटना घटी थी। असल में दोस्तों पॉल वॉकर को गाड़ियां बहुत पसंद थी और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में काम करने के बाद जब उन्हें शोहरत और दौलत दोनों मिली तो उन्होंने एक से बढ़कर एक गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी और अपनी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन बनाया जिसमें करीब 30 गाड़ियां शामिल थी, जैसे BMW, निसान, स्काईलाइन GTR, फोर्ड मस्टैंग और बहुत सारी हाई प्रेफर मेंटेनेंस गाड़ियां पॉल वॉकर के कलेक्शन में शामिल थीं। और ये सारी गाड़ियां इन्होंने केवल अपने गैराज की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं खरीदी बल्कि उन गाड़ियों को बड़े मजे से चलाते थे, क्योंकि पॉल वॉकर एक प्रोफेशनल प्रो लेवल के कार रेसर थे जिनके पास कई सारे स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट आया करते थे। लेकिन पॉल वॉकर जितनी तेज गाड़ियां चलाते थे उतना ही बड़ा इनका दिल था। तभी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बाद पॉल वॉकर ने लोगों की मदद करने की सोची और साल 2010 में आए हेटी नाम के भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए पॉल ने एक रीच आउट वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह बहुत बड़ा भूकंप था जिससे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई और उन लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए पॉल ने बड़ा कदम उठाया। इसी दौरान 30 नवंबर 2013 को पॉल वॉकर और उनके फाउंडेशन ने हैयान तूफान के विक्टिम्स के लिए एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट को खत्म करने के बाद पॉल और उनके एक बहुत अच्छे दोस्त रॉजर रोड्स ने पोर्श कैरेरा GT सुपरकार निकाली और दोनों निकल पड़े कार लेकर। उस वक्त गाड़ी पॉल वॉकर चला रहे थे और वो खुद पैसेंजर सीट पर बैठे थे। शुरुआत में तो दोनों ने अपनी कार की स्पीड को बिल्कुल लिमिट में रखा, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए जो स्पीड 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी अब वही 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई थी। इतने तेज गाड़ी चलाते वक्त पॉल वॉकर और उनके दोस्त दोनों को ही बड़ा मजा आ रहा था। मौसम भी उस दिन साफ था इसलिए दोनों को लगा कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी मौत इंतजार कर रही है। असल में जिस रास्ते से पॉल वॉकर और उनके दोस्त जा रहे थे वहां एक दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई। हालांकि दोपहर में सूरज की रोशनी ने पानी को तो अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन सड़क अभी भी गीली थी और पॉल वॉकर की मौत का जिम्मेदार केवल पानी नहीं बल्कि उनकी सुपरकार का घिसा हुआ टायर भी था। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोग हर रोज सुपरकार्स नहीं चलाते, लेकिन जब चलाते हैं तो उसकी धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। उसे इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं कि उसमें लगे टायर्स की बैंड बच जाती है, जिस वजह से समय समय पर उन्हें बदलना पड़ता है। लेकिन जिस सुपरकार को पॉल वॉकर हवा की रफ्तार में चला रहे थे उसके टायर बहुत लंबे समय से नहीं बदले गए थे, यानी कि पूरी तरह से घिसे हुए टायर के साथ वो सुपरकार चला रहे थे, वो भी गीली सड़क पर। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो क्या होता है, ये तो आप जानती हैं। यही वजह कि जब पॉल वॉकर के दोस्त ने गाड़ी की स्पीड 100 मील प्रति घंटे की तो अचानक से ही कार स्लिप हो गई। रोड के साइड पर मौजूद आधे कटे हुए पेड़ से जाकर बहुत तेजी से वो लड़ गई, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठे दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और सबसे ज्यादा चोट पॉल वॉकर के दोस्त को आई। कहा जाता है कि अगर उस वक्त आसपास कोई होता तो पॉल वॉकर को बचाया जा सकता था, क्योंकि जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो पॉल की सांसें चल रही थी, लेकिन कोई भी बचाने के लिए मौजूद नहीं था। पॉल के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो खुद से बाहर निकले, तभी कार क्रैश होने के तकरीबन 2 मिनट बाद कार ब्लास्ट हो गई। हवा से बातें करने वाले पॉल वॉकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों पॉल वॉकर की जिंदगी कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उन्होंने इस मुकाम पर पाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना किया था और इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जहाँ 1999 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले पॉल वॉकर बहुत ही कम समय में लोगों के बीच मशहूर हो गए, और जब वो ऊंचाइयों के शिखर पर थे तो उनके साथ क्या हुआ ये तो आप सुन ही चुके हैं। लेकिन ऊंचाइयों के शिखर को पाने से पहले भी इनकी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। इस महान एक्टर को अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में एडवेंचर करना पसंद था।
दोस्तों पॉल वॉकर की जिंदगी शुरुआत होती है 12 नवंबर 1973 से जब कैलिफोर्निया में पॉल विलियम वॉकर फोर का जन्म होता है। इनके पिता का नाम पॉल विलियम वॉकर थ्री था जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर और बॉक्सर थे। साथ ही उनकी माँ का नाम चटल था जो कि एक फैशन मॉडल थी और शायद अपनी माँ से पॉल वॉकर को उनके गुड लुक्स मिले। अगर पॉल के एक्टिंग की करियर की बात की जाए तो जब वो केवल 2 साल के थे तब उन्होंने एक टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम किया था। आप दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं एक्टिंग का इंटरेस्ट जन्म से ही हो गया था, क्योंकि 2 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर एक्टिंग की दुनिया में कदम रख देता है तो उसका आगे का भविष्य वैसे ही साकार हो जाएगा। आपको बता दें कि पॉल वॉकर की उम्र जब 12 साल की हुई तो उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज में काम करना शुरू कर दिया, जैसे हाईवे टू हेवन, हूज द बॉस, द यंग एंड द रेस्टलेस एंड टच्ड बाय एन एंजल। और फिर आगे चलकर छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुके पॉल वॉकर को बहुत जल्दी फिल्मों में बेहतरीन किरदार मिलने लगे। सबसे पहले 1986 में जब वो केवल 14 साल के थे तब उन्होंने मॉन्स्टर इन द क्लोजेट मूवी में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 में प्रोग्राम टू किल में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। ऐसे बीच 1991 में पॉल वॉकर ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जो इंसान एक्टिंग में इतना बेहतरीन रहा हो और लगातार फिल्मों और टीवी सीरीज में काम कर रहा हो भला डिग्री का क्या ही करेगा। तभी तो 1994 में पॉल वॉकर ने टैमी एंड द टीरेक्स जैसी फिल्मों में काम किया। और दोस्तों मैं आपको बता दें पॉल वॉकर ने अपना सबसे पहला लीड रोल मीट द टीडल्स में किया, जिसके बाद इनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर आगे चलकर इन्होंने कई सारी एक से बढ़कर एक शानदार हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साल 2001 में आया जब इन्होंने विन डीजल के साथ फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस में काम किया। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से पॉल वॉकर रातों रात स्टार बन गया और उनकी फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। आगे चलकर 2003 में उनको द फास्ट एंड फ्यूरियस के सीक्वल टू फास्ट टू फ्यूरियस में दोबारा से ब्रायन ओ'कॉनर के रोल को साइन किया गया। ये फिल्म भी अपनी सीरीज की पहली फिल्म की तरह सुपरहिट गई। साल 2005 में पॉल वॉकर ने अपनी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उसके बाद तो उनकी कामयाबी का सिलसिला चलता गया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस दौरान पॉल वॉकर लोगों के चाहते बने हुए थे, लड़कियां तो इनके लुक्स पर ममटने को तैयार थी। पॉल वॉकर के गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी के पीछे लोग दीवाने थे, लेकिन पॉल को जितना ही मजा फिल्मों में काम करके एक मशहूर एक्टर के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करने में आता था उतना ही मजा उन्हें गाड़ियां चलाने में आता था। तभी तो चलते फिरते एक्टिंग करियर के समय निकाल कर पॉल वॉकर ने हमेशा अपने रेसिंग करियर को महत्वता दी और उनका यह सपना था कि अगर उनकी मौत हो तो तेज रफ्तार कार में चलाते वक्त हो। इत्तेफाक देखिए पॉल का यह सपना भी सच हो गया। 100 मील प्रति घंटे से चलने वाली कार पर बैठकर उन्होंने हंसते हंसते दुनिया को अलविदा किया। वाकई में दोस्तों इनकी स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी इंस्पायरिंग भी है, जो ये सीख देती है कि इंसान एक समय में 2 चीजों में महारत हासिल कर सकता है। एक तरफ ये एक्टिंग में कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अपने कार रेसिंग के सपने को पूरा कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म के एक्टर पॉल वॉकर की जिंदगी की सच्ची कहानी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और आपको ये फिल्म कितनी पसंद आई कॉमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताना ना भूलें। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।